तो डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। तो जब हम कभी भी लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस पढ़ेंगे तो इसमें हम या तो फोनेरिया लेंगे या पैलेटोरियम, क्योंकि ये एग्जांपल है मोसेस के। फोनेरिया मानो ईचस प्लांट है, यानी इसमें बोथ सेक्स ऑर्गेना ऑन द सेम प्लांट पर मौजूद होते हैं, यानी एक ही प्लांट में मौजूद होते हैं। और पैलेटोरियम जो है ये डाइईचस है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन टू सेपरेट प्लांट पर मौजूद होते हैं। तो इसकी मेन प्लांट बॉडी है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट एंटेरिडियम प्रोड्यूस करते हैं और आर्चिगोनियम को प्रोड्यूस करते हैं। क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब एंटेरिडियम के टू मेन पार्ट्स हैं। स्टाक जो अटैचमेंट में मदद दे रहा है, यानी कि एंथेरिडियम को गेमिटोफाइट के साथ अटैच रखता है, और अपर जो पार्ट है इसको कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल के ऊपर एक लेयर होती है जिसको जैकेट लेयर कहते हैं, और इसके अंदर कैप्सूल के अंदर मास ऑफ सेल होता है जिसको एंड्रोसाइट्स और एंथेरोजाइट मदर सेल कहते हैं। फिर ये सेल क्या करते हैं, ये एंथेरोजाइट को प्रोड्यूस करते हैं। एंथेरोजाइट योनि न्यूक्लियेट हैप्लॉइड बाइफ्लेजिलेट होते हैं। इसके बाद आर्चिगोनियम के भी थ्री मेन पार्ट्स हैं। इसके भी जो ये जो मल्टी सेलुलर पार्ट है, मल्टी सेलुलर, इसको स्टाक कहते हैं, जो आर्चिगोनिया को गेमिटोफाइट के साथ अटैच रखते हैं। ये जो स्वोलन पार्ट है इसको वेंटर कहते हैं। वेंटर के ये जो पार्ट है वेंटर का, इसको वेंटर वॉल कहते हैं, और इसके अंदर ये लार्जर सेल जो है इसको ईक सेल कहते हैं, और ये जो स्मॉलर सेल है इसको वेंटर किनाल सेल कहते हैं। अब आर्चिगोनियम की ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको नेक कहते हैं। नेक के पीर ये जो आउटसाइड सेल है ये और ये, इसको नेक सेल कहते हैं, और ये जो मिडल में दिखाई दे रहा है इसको नेक किनाल सेल कहते हैं। अब इसकी जो माउथ, आर्चिगोनियम की जो माउथ होती है उसको क्लोज किया गया है टू सेल ने, जिसको लीड आर कवर सेल कहते हैं। अब जब ये एंटेरिडियम मैच्योर हो जाता है तो ये यहाँ पर रप्चर हो जाता है एट द एपेक्स। जब ये रप्चर हो जाता है तो इससे ये एंटेरोजाइड बाहर निकल आते हैं। इसको मैं यहां पर छोड़ देता हूं। अब जब यह आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाती है तो इसके ये जो वेंटर किनाल सेल है और नेक किनाल सेल है ये रिमूव हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जब ये रिमूव हो जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस। म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस स्वीट फ्लूइड होते हैं जो सक्रोज पर मुश्तमिल होते हैं। अब जब ये म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस बना लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये रिमूव हो चुके हैं। अब जब ये म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस बना लेते हैं तो ये म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस क्या करते हैं, प्योर वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। प्रेशर एग्जर्ट होने से ये जो लीड और कवर सेल है ये रिमूव हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। जब ये रिमूव हो जाते हैं तो ये म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस जो सक्रोज पर मुश्तमिल होते हैं ये यहां पर अपने आप को शो कर देते हैं। जब ये शो हो जाते हैं तो ये एंटेरोजाइट अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और फिर ये एंटेरोजाइड वाटर के जरिए स्विमिंग करके आर्चिगोनिया की तरफ मूव करते हैं। इसलिए हमने कहा था कि ब्रायोफाइट एम्फीबियन प्लांट है,
इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इस एम्फीबियम प्लांट इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है, जो मैंने पहले टॉपिक में बताया था। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो एंथेरोजाइड है ये वाटर के जरिए स्विमिंग करके आर्किगोनियम की तरफ मूव करेंगे। जब ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो मेन एंथेरोजाइड आर्किगोनियम में इंटर हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें सिर्फ एक एंथेरोजाइड यहाँ एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना लेगा, और फिर ये जाइगोट अपने आप पर एक वाल सेक्रेट कर देगा, फिर हम इसको ओस्पोर कहेंगे। फिर ये ओस्पोर स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। अब स्पोरोफाइट के भीतरी पार्ट है, इसका जो लोअर पार्ट है जिसको हम स्टाक कहते हैं, ये क्या करता है, ये स्पोरोफाइट को, सॉरी स्टाक नहीं है, मैंने गलत लिखा है, फूट फूट कहते हैं। ये फूट क्या करता है, ये स्पोरोफाइट को गेमेटोफाइट में इम्बेडेड रखता है, और ये फूट गेमेटोफाइट से फूड हासिल करके ये जो अपर पार्ट है कैप्सूल के इसको सप्लाई करता है। अब ये जो कैप्सूल का जो स्टाक है इसको सीटा कहते हैं। सीटा का क्या फंक्शन है, ये यहाँ ये फूड एब्जर्ब करके कैप्सूल को सप्लाई करता है, और ये जो पार्ट है इसको कैप्सूल कहते हैं, और इसके इर्गिर्द जो लेयर है इसको कैलिप्ट्रा कहते हैं। और ये किस चीज से बनी होती है, ये जो वेंटर वाल है यहाँ पर जो मैंने लिखा वेंटर वाल, इससे बनी होती है कैलिप्ट्रा। अब इस कैप्सूल के अंदर पीर सेल होते हैं जिसको स्पोर मदर सेल कहते हैं। वो स्पोर मदर सेल क्या करते हैं, वो मियासिस के जरिए या रिडक्शन डिवीजन के जरिए, मियासिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कह सकते हैं, रिडक्शन डिवीजन के जरिए स्पोर बना लेते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अब जब ये स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो ये कैप्सूल रप्चर हो जाते हैं और ये स्पोर फ्री हो जाते हैं। अब अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो ये स्पोर पीर फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं इसमें डिवेलप हो जाता है। पीर प्रोटोनीमा के जो लोअर पार्ट है इससे राइजाइड अराइज होते हैं जो साइल से वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, और जो अपर पार्ट है इससे न्यू फोनेरिया प्लांट डिवेलप हो जाता है। तो डियर फ्रेंड ये थी लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस। अब इसको हम ग्राफिकली शो करेंगे, तो इसके बाद है ग्राफिक लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस। तो ग्राफिक लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्किगोनियम को प्रोड्यूस करते हैं। फिर एंथेरिडियम एंथेरोजाइड यानी स्पर्म और एंथेरोजाइड और आर्किगोनियम एक सेल को प्रोड्यूस करते हैं। जब इनके दरमियान फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर जाइगोट बना लेते हैं, जाइगोट पीर स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट को हम स्पोरोगोनियम भी कह सकते हैं में डिवेलप हो जाता है। फिर यहाँ पर स्पोरोफाइट सेल्स यानी स्पोरोफाइट में स्पोरोफाइट सेल पैदा होते हैं, और फिर ये स्पोरोफाइट सेल मियासिस और आरडी, आरडी का मतलब रिडक्शन डिवीजन, मियासिस और रिडक्शन डिवीजन के जरिए स्पोर बना लेते हैं, और ये स्पोर पीर गेमेटोफाइट में डिवेलप हो जाता है। तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बना लेता है और स्पोरोफाइट पीर गेमेटोफाइट बना लेता है। और ये जो स्टेज हैं, ये जो मैंने दरमियान में लाइन ड्रा की है, इसके यहाँ पर जो स्टेज है इसको गेमेटोफाइटिक स्टेज और सेक्स रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्स रिप्रोडक्शन इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं, और ये वन एन होता है। अब अगर आप देखें तो ये गेमेटोफाइटिक स्टेज जितना भी है इसको ये वन एन होता है, वन एन ये वन एन होते हैं, और ये वन एन तो है, और ये पीर स्पेयर भी वन एन होते हैं, और इसको स्पोरोफाइटिक या स्पोरोफाइट स्टेज कहते हैं। आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बास जगहों पर इसको पैरासिटिक स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पर, गेमेटोफाइट से फूड एब्जर्ब करता है, इसलिए बास जगहों पर इसको पैरासिटिक स्टेज भी कहते हैं। और ये टू एन होता है,
क्योंकि अब देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर स्पोरोफाइट स्टेज में जितने भी स्टेज स्टेट है ये टू एन है, जाइगोट स्पोरोफाइट टू एन फिकस, तो इसको ये ग्राफिक लाइफ साइकिल है मोसिस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैंड एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।